अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिले 777.pk के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिशी। नाज़िम, आज आप लोग मौजूद हैं गुजरात मिल्क शॉप पे, जो कि 70 साल पुरानी दुकान है। अंकल जी से जानती हैं कि ये दूध कैसे बनाते हैं, कौन कौन सा दूध इनके पास मौजूद है और कितने अरसे से ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है अंकल जी आपका? एजाज अहमद। एजाज अहमद। अंकल, कितनी देर से आप ये दूध का कारोबार कर रहे हैं, ये दुकान बने हुए कितना टाइम हुआ है? यहाँ पे तो हो गया तकरीबन 1 माह हो गया है, पीछे हमारी 70 साल से है गुजरात में। अच्छा, ठीक है। ये दूध की रेसिपी आपके पास कहाँ से आई? दूध की रेसिपी गुजरात से ही, हमारे बुजुर्गों ने पुराने वो बना रहे थे, उसके बाद फिर हमने शुरू कर दी। आपका जद्दी पुश्ती काम चल रहा है? जी जी, जद्दी पुश्ती काम। लोगों की क्या राय है, क्या कहने के, दूध का टेस्ट कैसा है? दूध का इंफरादियत है आम दूध में से, इसकी ये रेसिपी से तैयार होता है, इसकी खास रेसिपी है, तो उसके मुताबिक ये तैयार होता है। मैंने सुना है 5 मिनट लगते हैं इसको तैयार होने में, 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको तैयार होने में, लेकिन मैंने सुना है कि ये दूध आप लोग 12-12 घंटे इसको पकाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 8-9 घंटे तो मस्ट है, 12 घंटे 8 घंटे कितना मस्ट है। इसको दूध ले, खालस दूध ले के अपना माज का भैंस का, उसके बाद इसको 8-9 घंटे हम जो है इसको पकाते हैं हल्की हल्की आंच पे, ये कटता रहता है, उसके बाद ये दूध बनता है, उसके बाद इस्तेमाल होता है। कौन कौन सा दूध मौजूद है आपके पास? यही भैंस का दूध होता है। नहीं नहीं, वैरायटी कौन कौन सी है? ये मक्खन पड़ा हुआ, ये खोया पड़ा हुआ, ये क्या है? खोए के साथ और मक्खन और अपना मलाई के साथ इसका अपना बनाते हैं, मलाई और खोया दो चीजें यूज करते हैं इसमें। अच्छा। लोग कौन सा दूध ज्यादा पसंद करते हैं, मलाई वाला, खोए वाला, कौन सा? लोग ज्यादातर मिक्स ज्यादा यूज करते हैं, खोया और मलाई मिक्स। हाँ जी, मलाई वाला मिक्स पसंद करते हैं। गुजरात मिल्क शॉप पे मौजूद है, क्या टेस्ट है इनके दूध का, कैसा लगा है आपको? जी ये बहुत अच्छा इनका दूध है, बड़ा अच्छा टेस्ट है। एक्चुअली ये हमारी जो है मुजांग, ये नेचुरल फूड स्ट्रीट है, तो ये गुजरात वाली जो है ना शॉप अभी आई है, तो ये कुछ दिन अभी कोई 10-15 दिन या गालमन महीना हुआ है, मैं 2 दफ़ा टेस्ट कर चुका हूँ, बहुत आला टेस्ट है। मैंने गुजरात में भी इनका टेस्ट किया है, ये बहुत क्वालिटी वाला है, और मेरा ख्याल है लाहौर में जो है ना इनकी कोई और शॉप नहीं थी इस जैसा दूध जो है ना, वो इससे पहले लाहौर में नहीं था, बड़ी क्वालिटी। आपको गुजरात जाना पड़ता था दूध पीने के लिए, अब आपके लाहौर में मौजूद। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली ये लाहौर में आ गया है, ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि ये इधर इनकी शॉप आ गई है। इसके लिए स्पेशली लोग जो है ना ट्रैवल करते थे, गुजरात जाते थे, अब ये हमारी नेचुरल ये फूड स्ट्रीट है टेम्पर रोड पे, जो ये इधर यहाँ पे दूध बिकना शुरू हो गया है, और ये बहुत टेस्टी है। जी नाज़रीन, हम लोग मौजूद थे गुजरात मिल्क शॉप पे, ये देख सकते हैं कि अंकल जी ने हमें भी दूध पीने के लिए दिया है, टेस्ट के लिए दिया है। मैंने टेस्ट किया इनके दूध का, सच में टेस्ट बहुत मज़े का है, दूसरों से मुनफरिद इनका म्यार है, इनके दूध का बहुत अच्छा है। हमारा कहना ये आदमी आए यहाँ पे टेम्पल रोड मजंग में दूध पिए और इन्जॉय करें। देखते रहिए बिले 777। अल्लाह हाफिज़।